प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र धार्मिक आस्था का केंद्र और खान पान का शौकीन, ये बनारस है 2022 के यूपी चुनाव में पूर्वांचल का हॉट सेंटर। काशी का जिक्र हो और पान का स्वाद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं यहाँ के लोग गाल के एक तरफ पान चबाते हैं और दूसरे गाल से रसगुल्ला खा जाते हैं। न्यूज 24 दुनिया भर में फेमस इसी केशव तांबलू भंडार पहुँचा। पान यहाँ पे जो केशव पान भंडार है, इनकी पान बनारस ही नहीं, देश नहीं विदेशों में पान जाता है और पान के बनारसी पान की चर्चाएं होती है। और इस समय हम मौजूद है देखिए पान के दुकान पे। यहाँ लोग पान के शौकीन हैं, पान खाने आते हैं और पान खाने के साथ साथ राजनीति में भी चर्चा करते हैं। और हम खुद ही बात करेंगे जो केशव भंडार के हैं, मालिक है। भैया क्या कहिएगा, इस बार क्या कह रहा है जो बनारसी पान है? 2022 का विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है माहौल? भैया ये लग रहा है अभी तक तो जो सामने आ रहे हैं सब अपने अपने दावा कर रहे हैं कि हम सभी लोग जीत रहे हैं। इस बार सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा न हो कि ये खिचड़िया सरकार बन जाए। ऐसे इस सरकार में अखिलेश जी के जो है, अखिलेश जी की उम्मीद ज़्यादा लग रही है। महंगाई भारी पड़ेगा या विकास का मुद्दा रहेगा? नहीं सर, वैसा है कि विकास का भी मुद्दा रहेगा, उससे ज़्यादा महंगाई का मुद्दा रहेगा। अब विकास में थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस लोगों को हो ही जाएगा, बेरोजगारी। और जो चाचा जी बोले कि रोजगार सबका छीन रहा है जो रेहड़ी बटरी वाले हैं, तो स्मार्ट सिटी में अगर कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ लोगों को अपना वो करना पड़ेगा योगदान। लग रहा है कि ये विकास मुद्दा हावी रहेगा या महंगाई हावी रहेगा? विकास मुद्दा बिल्कुल हावी रहेगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सभ्य समाज के लोग हैं, वो योगी और मोदी जी को ही माने हम लहर। ये जो देखिए पान, वाकई आप पान भी खा रहे हैं, कहीं ना कहीं बनारसिया स्टाइल दिख रहा है। बनारस में तो आप ये समझिए कि खान पान में लोग बहुत ही ज़्यादा जो है शौकीन है। क्या कहिएगा, ये देखिए बीजेपी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पूरे प्रदेश में। स्पेशली आप बनारस की बात करते हैं तो यहाँ एक तरफा जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं योगी की हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। ये पान जो बनारसी है, कहीं ना कहीं ये पान का जो छाप है बनारस के लोगों का, तो ये राजनीतिक चर्चा ही है यहाँ पे हो रही है। अब क्या लग रहा है कि नहीं साइकिल चलेगा या वाकई बीजेपी की हवा रहेगी? फिर हमने पहले ही कह दिया, देखिए बीजेपी की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बीजेपी एकदम हर हाल में यहाँ विधानसभा में डंका फहरा रही है, क्या कहेंगे? जिस तरह से देखे माहौल को हम देखे, बनारसी रंग और आप लोग पान भी खा रहे हैं, मजा भी आ रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार 2022 की जो भी जीतेगी सत्ता आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत काम किया है। लोगों को बस देखने का अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है किस तरीके से उसको देखा जाए। ठीक है, बेरोजगारी बहुत खत्म हुआ है। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिस तरीके से पहले घुसखोरी भ्रष्टाचारी चलती थी वो बंद होकर अब वहाँ पे टेंडर का उन्होंने कर दिया। अगर एक इंसान को सरकारी नौकरी दिया जाए तो वो कम से कम 40 से 50 हज़ार उसको मिलता है। मोदी जी ने 22 में हवा की लहर की दर माने, हवा की लहर तो है ही बनारस में। टक्कर है या एक तरफा है? नहीं, टक्कर तो है, टक्कर के साथ ही आएगा बीजेपी। सत्ता किसी की भी हो, लहर किसी की भी हो, मगर 20 साल से बनारस की कैंट सीट का मिजाज कभी नहीं बदला। साल 1991 में बीजेपी सीट पर जीती और फिर उसके बाद कभी नहीं हारी। कभी पिता, कभी माँ, तो कभी बेटा वाराणसी के कैंट से विधायक बने। कायस्थों के दबदबे वाली सीट पर इस बार क्या बदलाव की तैयारी है या फिर जनता का झुकाव योगी की ओर है? न्यूज 24 की टीम ये जानने के लिए अगले पड़ाव पर पहुँची। बनारस के युवा इस बार क्या सोच रहे हैं? 2014 से और 2022 तक आप देखेंगे, 14 से 22 जो युग रहा है भाजपा लगातार निरंतर सफलता मिलती रही है और मुझे लगता है युवाओं का उसमें योगदान जो है अपूर्ण रहा है। मोदी जी को निरंतर युवाओं का सपोर्ट रहा है। 2017 में युवाओं ने योगी जी को पूरा सपोर्ट दिया और 2022 में निश्चित 2022 में युवाओं का पूरा साथ योगी जी को रहेगा। अभी चर्चा हम लोगों से मिल रहे तो कह रहे नहीं अखिलेश बेहतर है युवाओं के लिए, युवाओं के लिए नौकरी चाहिए, जिस तरह की शिक्षा की व्यवस्था कहीं ना कहीं दूर है इससे लोग, तो क्या कहिएगा इस बार? नहीं, अखिलेश बेहतर हैं, अखिलेश स्वयं युवा हैं इसलिए वो बेहतर हैं, एक ऑप्शन के रूप में वो अच्छे हैं। लेकिन अगर योगी जी से तुलना करेंगे तो ये अखिलेश कहीं फीके पड़ते हैं। पूरा प्रदेश मूड बना चुका है कि पूर्ण बहुमत से 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रहा है। और हवा का रुख क्या लग रहा है कि ज्यादातर अखिलेश आम जन का एकदम हवा का रुख साफ है और पक्ष का कोई भूमिका ही नहीं है। अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अब भी युवा है और लगातार हम बहस हो रही है युवाओं में, क्योंकि युवाओं के बीच हम भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवा रोजगार की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि महंगाई है, विकास है, धर्म है और राजनीति पे यही चर्चा हो रही है। तो क्या सोच रहा है इस बार बनारस की धरती 2022 में बहस बनारस में क्या होने वाला है इस बार? जी, प्रचंड बहुमत से इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि जाति और राजनीति जाति और धर्म से ऊपर उठकर रोजगार विकास की बात कर रहे हैं योगी जी। तो लग रहा है कि अभी तो बनारस में नहीं पूरे प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। प्रचंड बहुमत से। अभी तो आप यहाँ बैठे कह रहे कि नहीं अखिलेश जी है बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश ने पहले किया था, उसके बाद योगी जी ने कहा नहीं अखिलेश जी पूरा इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि अखिलेश जी नहीं फिर से योगी जी आने वाले हैं। अखिलेश जी का काम जो था वो सारे माइलस्टोन थे, चाहे उनकी फ्री एम्बुलेंस सेवा रही हो। आज आपको एक चीज मैं बहुत बता रहा हूँ, ये डाटा शायद आपको ना पता हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज के पहले जितने भी आप इतिहास में डाटा खंगालेंगे तो प्राथमिक स्तर पे पीएचसी और सीएचसी का निर्माण करवाने वाले सबसे प्रथम समाजवादी लोग ही हैं, और ये जेपी और लोहिया की धरती है और यहाँ से ये संपूर्ण क्रांति का आगाज हो चुका है। 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, शिक्षा, क्या कह रहे हैं आप? और 2022 में हवा का रुख किधर बहने वाला है? देखिए, हवा का रुख आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं, देश समझ रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति को मत देखिए, आप पूरे देश में देखिए। पूरे देश पसंद कर रहा है बीजेपी को। खासतौर पे हम उत्तर प्रदेश में देखें तो विकास की बातें कर रहे हैं। अगर अखिलेश की विकास की बात है, जेपी के आदर्शों की बात करते हैं, तो जेपी के आदर्शों को उसी दिन खत्म कर देते हैं अखिलेश यादव, जिस दिन अपने पिता का अनादर करते हैं और जिन्ना की तारीफ करते हैं। पूरे देश में तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आप तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार हम कांटे की टक्कर माने कि ये नहीं, दोनों में बराबर टक्कर होने वाला है या एक तरफा चुनाव होगा इस बार? नहीं, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की नीतियों की वजह से चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। आप विपक्ष में है ही नहीं, आप मुकाबले में है ही नहीं, आप सोशल इंजीनियरिंग जैसी चीजें, एमवाई गठजोड़ जैसी चीजों पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है और मिजाज क्या है इस बार? इस बार आम जन की आवाज है कि 2022 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी तो कह रहे थे कि नहीं योगी जी ने विकास किया है, काफी डेवलपमेंट हुआ है, बनारस का कायाकल्प बदल गया। पूछना चाहता हूं कि कौन सा योगी जी रोजगार बच्चों को दे दिए हैं, छात्रों को क्या व्यवस्था दिए हैं? मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है जहां पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सरसुंदर चिकित्सालय है, जहाँ पे हजारों लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए। आज वहाँ पे लोग स्ट्रेचर के लिए तरस रहे हैं। ये उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है जो मोदी जी ने कोटो बनाने का सपना दिखाया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि बनारस में कोटो कहाँ बना है? वाराणसी के अगर जातीय आंकड़ों पर गौर करें तो सवर्ण वोटर 1,40,000 से ज्यादा हैं, एससी वोटर 1,10,000 के आसपास हैं, 65,000 से ज्यादा एसटी मतदाता हैं, वहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या 85,000 से ज्यादा है। 3 बार समाजवादी पार्टी भी यहां से जीत हासिल कर चुकी है, हालांकि तब भूमिहारों का बोलबाला था। हालांकि नए परिसीमन के बाद समीकरण बदलने लगे। तो क्या कहेंगे इस बार, क्या कह रहा है बनारस और बनारस की धरती किसको जिताएगी? ये बनारस अपनी विकास यात्रा पे सतत चल रहा है। यहाँ बैठे हैं इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक विकास यात्रा चल पड़ी। करोड़ों रुपए के विकास यहाँ किए गए। आप जिस रेस्टोरेंट में यहाँ बैठे हुए हैं, पहले पूर्ववर्ती सरकारों में इस तरीके के निवेश यहाँ नहीं हो पाते थे, क्योंकि यहाँ गुंडे और माफियों का शासन हुआ करता था। बाहर से निवेश यहाँ आकर्षित नहीं हो पाते थे। जब से योगी जी की सरकार यहाँ आई, अगर आप 2022 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तब से बाहर के निवेश आए, बाहर के नए नए चेन आए, मैकडोनाल्ड के तरीके। जहाँ हम लोग बैठेंगे मैक्सिकम कंसेप्ट बना हुआ एक रेस्टोरेंट है, और आप देखिए लगातार विकास की यात्रा चल रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सारे विरोधी पार्टियां एकजुट हुई हैं और बीजेपी के 2 चेहरे मोदी जी और योगी जी। तो क्या मोदी योगी के नाम पे बीजेपी पार्टी यहाँ पे अपनी नैया पार लगाएगी या अखिलेश के सहारे सारे विरोधी पार्टी एक होंगे? इस बार महंगाई इतना काफी बढ़ गया है, जो कि महंगाई की वजह से बनारस की जनता त्रस्त है। चाहे पेट्रोल का हो, चाहे डीजल का हो, चाहे सरसों तेल का हो चाहे दाल का हो, इसलिए सारे त्रस्त है। इसलिए अखिलेश यादव को सरकार आएगी और लगता है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पास में चलिए, ये सीर गेट है, सीर का मोहल्ला है, सुंदरपुर है, करौंदी है। आप चलिए बगल में यहाँ से आधा किलोमीटर आगे सामने घाट है, यहाँ पे जाकर देखिए रोड और नाली की व्यवस्था है। क्या लग रहा है कि इस बार महंगाई या धर्म या विकास या जाति, उत्तर प्रदेश में किस पे चुनाव होगा? इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पे। 2022 का किधर हवा का रुख माने, क्या लग रहा है, कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? बहुत स्पष्ट है ये। आप एक आम जन से भी पूछेंगे जिसको लगातार योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन दे रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है, दलितों को राशन मिल रहा है, उनका पेट भर रहा है। इस कोरोना के कालखंड के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी की सरकार ने जिस तरीके से आम जन का कल्याण किया है, आम जन का पेट भरा है, उससे मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई ये जनता कहीं और जाने वाली है। विकास की बात हुई है, बहुत विकास हुआ है। बनारस में दो चीज़ उठा करके आप देख लीजिएगा, बड़ौदा कॉरिडोर का विकास अखिलेश यादव जी के समय में हुआ और जहाँ काम वहीं रुक गया। एक बगल में आपके 80 नदी हुआ करती थी, आज नाले में तब्दील हो गई। कितना विकास है, इसी से काशी का विकास समझ में आ जाएगा लोगों को कि कितना। घाटों में हम देख रहे हैं जिस तरह से साफ सफाई है, कहीं ना कहीं एक घाटों से दूसरे घाटों, घाट की सफाई आपने देखा। सिंचाई विभाग का 12 करोड़ रुपया बारिश से एक महीने पहले उस पार गंगा के खुदाई, एक नहर नहीं निकाली जा रही थी और जब तक वो खुदाई होती तब तक बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, 12 करोड़ रुपया वहीं का वहीं डूब गया। उस पर क्या किया गवर्नमेंट के लोगों ने? तो क्या लग रहा है कि इस बार महंगाई या जैसे कह रहे थे कि नहीं युवाओं को रोजगार का मुद्दा हावी रहेगा या विकास? देखिए, विकास नहीं, बेरोजगारी और महंगाई इस बार इतनी चरम सीमा पर है। टीईटी का पेपर देख लीजिए, नौजवानों के साथ क्या अभी खेल हुआ है। अब तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर लालीपाप है कि एक महीने बाद पेपर करा लेंगे। कैसे करा लेंगे आप? यूं तो बनारस की राजनीति पहले भी सुर्खियां बटोरती रही है, मगर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से कनेक्शन जुड़ा है तब से यहां की चुनावी फिजा ही बदल गई। हालांकि विधानसभा के चुनाव में बनारस मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट देगा या फिर दूसरी पार्टियों की ओर जाएगा, ये सवाल भी हमने कैंट विधानसभा के लोगों से पूछा। इलेक्शन जो होता है वो समय पे होता है, इलेक्शन जो होगा वो समय पे होगा। इनका जो ये बनारस में आने का होगा कि हाँ 13 को मंत्री जी आएंगे तो 13 को मंत्री जी आ जाएंगे, मगर हमारा एग्जाम का जो रिजल्ट निकलता है कि आज एग्जाम होगा, डेट निकल गया कि आज एग्जाम होगा। क्या सोच रहे आप युवा, क्या सोच रहे हैं 2022 में? युवा कुछ नहीं सोच रहा है, युवा सोच रहा है कि रोजगार चाहिए हमको, रोजगार, जो रोजगार देगा उसकी सरकार बनेगी। पहले का बनारस था और अब के बनारस में क्या परिवर्तन हुआ? तुलना की बात करेंगे तो देख लीजिए कि पहले अखिलेश जी की सरकार थी, फिर बाद में भाजपा की सरकार बनी। और विकास का देखेंगे रुख तो पहले बनारस कैसा था लेकिन अब बनारस कैसे हो गया, पर्यटक कैसे यहाँ पे आते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई तुलना ही नहीं है। इसमें एकदम 100% भाजपा की सरकार बन रही है। विकास, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों पर होगी चुनाव। देखिए, विकास और मुद्दा और रोजगार पे ही चुनाव होगी, ठीक है। और विकास, मुद्दा, रोजगार की जो बात है वहाँ स्थिति यहाँ क्लियर है कि एकदम कुछ नहीं है, 0% है। यहाँ SC ST के मामले तमाम प्रकार के दर्ज हैं, उसमें CO साहब विवेचना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों का सोच क्या कह रहा है, युवा क्या कह रहा है, बनारस की धरती क्या कह रही है इस बार 2022 में, और हवा का रुख किधर बहेगा? हवा का रुख साफ है, मायावती जी आ रही है। वाराणसी में बीजेपी इस बार भी सभी सीटों को जीतना चाहती है, इसलिए पीएम मोदी की रणनीति में भोले की नगरी टॉप पर है। बीजेपी की कोशिश यही है कि साल 2017 वाले आंकड़े इस बार भी दोहराए जाएं। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 वाराणसी।